भूरी कजरारी आंखों से बचकर रहना। नरेंद्र, तुम्हारे पापा नशे की हालत में कहीं बाहर चले गए और हाथ में पिस्तौल भी है। वो देख के मुझे डर है कहीं चंद्रिका जी और तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। एक्सीडेंट बहुत ही दर्दनाक था, उसकी वजह से उन्हें काफी चोटें भी आई हुई हैं और एक्सीडेंट के ट्रोमा की वजह से उनके दिल पर भी काफी गहरा असर हुआ है। उनकी धड़कनें जवाब दे चुकी हैं। अब उनके बचने का केवल एक ही तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांट। आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं अपने नरेन के लिए हर तूफान से टकराने के लिए तैयार हूँ। भले तेरे दिल को जीने का मौका मिल गया हो प्रवीण, लेकिन हम हमारा जख्म तुझे जीने नहीं देगा प्रवीण, तुझे मार डालेंगे हम। नरेन, आप मुझे सुन सकते हैं ना? तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? नरेन, देखिए ना, बाहर सब आपसे बात करने के लिए कितने बेचैन हैं। जानती हूँ मैं कि लोग कहेंगे कि अब आपका दिल बदल गया है। नरेन, वो एहसास, वो जज्बात जो आपके रूह ने जिए हैं, वो कैसे बदल सकते हैं? नरेन, बस अब और मत रूठिए। नरेन, आंखें खोलिए ना नरेन। पूजा बेटा, आप ऐसा सब क्यों सोच रही है? नरेन की सर्जरी तो एक मेडिकल प्रोसेस था, और ये दिल, ये हार्ट, ये सब तो बेटा एक महज एक बॉडी का ऑर्गन है। इसका जज्बात या एहसास से कोई संबंध नहीं है। नहीं हरीश बेटा, कहीं ना कहीं ये सच है कि नरेन में प्रवीण का दिल है, और शायद नरेन के शरीर में आकर वो बेचैन हो रहा है, इसलिए हो सकता है किसी अपने से एक बार मिलना चाहता हो। शायद ये दिल आखिरी बार बेला से कुछ कहना चाहता है। मुझे बेला को हॉस्पिटल लाना होगा। करमजली, मनुज कहाँ गई मेरे बेटे का? कहाँ जा रही है? तेरे साथ तो वही होना चाहिए जो मेरे बेटे के साथ हुआ है। माजी, जाने दीजिए हमको, ऐसा जुर्म मत कीजिए हम पे। माजी, चल जाओ। माजी, जाने दीजिए ना हमको। माजी, देख, बहुत रोना धोना हो गया। नेवकन जी, इसके बाल काटिए और इसे अपने साथ विधवा आश्रम ले जाइए। माजी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। माजी, हमारे बाल मत काटिए। माजी, हमारे माँ के प्राण बसते हमारे बालों में। माजी, हमारे प्राण भी हमारे बिटुआ में बसते थे। अब उसकी चिता की अग्नि ठंडी होने से पहले तुझे शुद्ध होना होगा और विधवा आश्रम जाना होगा। नरेन, पूजा, मोरा पिया, अलवेला, मैंने अभी तो
नहीं, अब आप आराम करेंगे, मैं बाहर से डॉक्टर सर बाकी सबको बुलाकर लेकर आती हूँ। पता है आपको, दादाजी और पापा आपके उठने का कब से इंतजार कर रहे हैं। बुरी कजरारी आंखों से बचकर रहना, इनसे खतरा है। मिठाई आज स्टाफ में बंटवा दो, तुम्हारे नरेन बाबू को होश आ गया है। नीलू, नीलू, जो हुआ उसे भूल जाओ, नरेन को अब होश आ गया है और ये खुशी मैं उसकी मौसी और उसकी चाची के साथ बांटना चाहती हूँ। ये लो। थैंक्स। गोविंद, मनोज, ये लो, इसे डस्टबिन में ले जाकर फेंक दो। नाजायज खुशियां मनाने का शौक नहीं है मुझे। आंटी जी, मुझे नहीं खिलाएंगे मिठाई। स्वीटहार्ट, तुम कमरे में नहीं जाओगी? कमरे में जाओ स्वीट हार्ट। जानती हो पूजा, उस दिन जब मैंने एक्सीलेटर को प्रेस किया था तब लगा कि मैं फिर कभी देख ही नहीं पाऊंगा। नरेन, जो हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए। लीला जी, आप बाहर क्यों रुक रही हैं? अंदर आइए ना। देखिए, इनके पहले कदम घर पे पड़े नहीं। सुपी, इस लड़की के पैर इस घर में नहीं पड़ेंगे। अंजलि, तुम सबको प्रसाद बांटो। आंटी जी, प्रसाद नहीं चाहिए। प्रसाद माफ करना महक बेटा, मुझे डांस बार वाली का प्रसाद खाके कौन सा पुण्य मिलेगा? बिना शादी के जज्बी है ये, नाजायज कहते हैं लोग इसे। पाप की पैदाइश, वो भी भगवान के काज में। छी छी, मैं तो ऐसे घर में भी ना जाऊं जहां कोई नाजायज औलाद को पीना ठोक के पाल रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तेरी प्रीता को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इतना परेशान करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। चुनौतियों से भरे इस सप्ताह में कल शाम 7 बजे देखिए। इनकी हालत बिल्कुल ऐसे हो गई आपके बिना जैसे जलबिन मछली की हो जाती है। बात करिए ना इनसे। चाहते क्या हो तुम रानू? हम आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहते हैं। हम इतनी मुश्किल से छुप छुपा कर आपको लेकर आए हैं माई से। यहाँ पे पहली बार हमने झूठ बोला है माई से। चलिए बात कीजिए, आइए कीजिए बात।